कि आप में से किसी ने कभी अपना कोई ऑर्गन या बॉडी पार्ट चेंज करवाया? सर जवाब तो दे दे। अल्लाह रहम करे, हम सब सेहतमंद हैं, जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं तो माजरत के साथ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वो मेरी मर्जी है। इतने दिन बाद आए हैं, आपकी बात तो सुनेंगे। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सब अपने बॉडी पार्ट्स चेंज करवा चुके हैं। आपके सबके बॉडी के पार्ट्स जो ज़ाहरन नज़र आ रहे हैं या जो हमारे जिस्म के अंदर हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, सब चेंज हो चुके हैं और एक से कई ज़्यादा दफ़ा चेंज हो चुके हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। कुदरत के निज़ाम के अंदर हम वही आर्गन लिए नहीं फिर रहे जो लेके हम पैदा हुए थे। हमारे पार्ट्स चेंज होते हैं, नए पार्ट डलते हैं, पुराने पार्ट जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी में से। मिसाल के तौर पे हमारी जो नज़र आने वाली स्किन है, जो हमारी जिल्द है, ये तकरीबन 28 से 30 दिनों में चेंज हो जाती है। आपने पुरानी खाल उतार के फेंक दी और आपको नई खाल मिल गई और आपको पता भी नहीं लगा। आपका जिगर 4-6 महीनों में टोटली चेंज हो जाता, बिल्कुल पुराना जिगर ख़त्म, नया जिगर बन जाता आपके अंदर। और सारे के सारे आर्गन, साइंस कहती है कि तकरीबन 2 साल के टाइम में आपकी मोर देन 90% बॉडी टोटली चेंज हो जाती है। आपके बाल देख लें, बाल तो चेंज आपको नज़र आते हैं ना, नाखून तो नज़र आते हैं ना। क्या नाखून जो इस वक्त आपके अंगूठों के ऊपर है ये वही है जो आज से 6 महीने पहले था? या बाल जो आपके सर पे हैं, क्या ये वही बाल हैं जो आज से 3 महीने या 4 महीने पहले थे? ये चेंज हो गए ना सर, तो माने इस बात को, चेंज हो गए। सारी बॉडी चेंज होती है, नई बॉडी डलती है, नए पार्ट्स डलते हैं। ये नए पार्ट कहाँ से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ से लेते हैं हम सर, बताएं कहाँ से मिलते हैं? वो है इसकी स्पेयर पार्ट्स की शॉप। हाँ जी, वो बाद में बताऊँगा। वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं सर, ये बताएं आप मुझे। ये जो पार्ट चेंज हो गए मिलते कहाँ से, कहाँ इसकी दुकान? जी सर, बिलालगंज में। किसी बिलालगंज में मिलते हैं सर। ये अल्लाह का कुदरती अमल जो है, ये पूरा होता है, सारा अंजाम होता है उस खुराक से जो हम खाते हैं। जो आप खाते हैं वो जाके आपके जिस्म के अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, जो ये आर्गन बनाती है और प्लेस कर देती है पुराने जगह पे नया। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि गैर महसूस अंदाज में, आपको पता भी नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के खुलिए सेल्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो झड़ते हैं और नए बन रहे होते हैं। सर एक दिन के अंदर 1 अरब आपके सेल्स की डेथ होती है और 1 अरब नए सेल बनते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। 40,000 से ज़्यादा आपके स्किन सेल्स डेली में झड़ते हैं आपके स्किन से। तो वो कौन चीज़ बनाती है? फूड बनाता है, खुराक बनाता है। आज मैसेज आया हमारे TWC ग्रुप में कि आज वर्ल्ड फूड डे है, वर्ल्ड हेल्दी फूड डे। तो मैं माजरत के साथ इस इस्तलाह से ही मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। हेल्दी फूड, ये इस्तलाह बड़ी चल रही है आजकल। कोई हेल्दी फूड नहीं होता, कोई अनहेल्दी फूड नहीं होता, फूड होता है सिर्फ। या फूड होता है या नॉन फूड होते चीज़ें जो हम खाते हैं, या खुराक है या वो खुराक है या खुराक नहीं है। बहुत सिंपल सादी सी बात है, ये हेल्दी अनहेल्दी ये वो, कुदरत के निज़ाम में कोई इसका वो चीज़ नहीं है। वो फूड ही नहीं है, उसको फूड नहीं कहेंगे हम। वो फूड, या फूड होता है या फूड नहीं होता। शेर को अगर आप घास खिला दें तो शेर मर जाएगा, उसके लिए घास क्या हुआ, जहर हो गया। और आप भैंस को, बकरी को गोश्त खिला दें तो वो मर जाएगी, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पॉइजन हो गया, उसके लिए वो फूड है, इसके लिए पॉइजन है। तो हेल्दी अनहेल्दी कुछ नहीं होता, फूड फूड होता है।
जो फूड आप खाते हैं क्या करता है हमारे जिस्म के अंदर, तीन बड़े काम करता है जो हम खुराक खाते हैं। हमारे जिस्म को एनर्जी देता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो कि एनर्जी बनाती हैं, प्रोवाइड करती हैं, बॉडी के फंक्शन होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपको पता नहीं आपके अंदर बेतहाशा किस्म की केमिकल्स बन रहे हैं, केमिकल रिएक्ट जो हमारे निज़ाम को चला रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ और सक्रीजन सलाइवा बन रहा है, मैदे के अंदर तेजाब बन रहा है, हमारे उस लबरे के अंदर इंसुलिन बन रही है, हमारे पित्ते के अंदर बाइल बन रही है, एक एक डेढ़ लीटर की मकदार में चीज़ें बन रही हैं, आपको नहीं पता, लेकिन ये इस फूड से बनता है। फूड क्या है? रॉ मटेरियल है इसका। और तीसरा काम फूड ये करता है कि जिस्म के खुलिये बनाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं बॉडी की फैक्ट्री में। ये फूड के तीन बुनियादी मेजर काम है। और दूसरी चीज़ जिसको हम अनहेल्दी फूड कहते हैं, वो बेसिकली फूड नहीं, वो जहर है, वो पॉइजन है। वो क्या करती है? वो चीज़ आपके जिस्म के इन ऑर्गन्स को डैमेज करती है अंदर से जाकर। जैसे लोहे को जंग लगता है अगर आप उसको पानी डाल दें, या जिस तरह से लकड़ी को अगर आप उसकी केयर न करें उसको दीमत लगती है, ये जो पॉइजन है जो हम खाते हैं ये हमारे डैमेज करता है हमारी बॉडी को अंदर से जाकर। ये अनहेल्दी फूड नहीं है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो फूड हैं और वो कौन सी चीज़ें जो पॉइजन है? हमने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की थी कि इस जिसको हम खुराक कहते हैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक रहमानी, एक इंसानी और एक शैतानी। तो वो खाने की चीज़ें जो कुदरत ने दी हैं, जो हम अनप्रोसेस्ड फॉर्म में एज अ होल खा लेते हैं, उसको हम छेड़खानी नहीं करते। आपने सेब लिया, धोया, खा लिया, केला लिया, आपने काटा, खा लिया, आपने सब्जी ली, उसको काटी, उसको खा लिया, या वैसे खा लिया, प्याज खा लिया, मूली खा ली, गाजर खा ली, ये क्या है? ये मैं कहता हूँ ये रहमानी है, उसने दी, आपने खा ली, बस दरमियान में कोई अमल कार फरमा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है जिसको आप अपने घर में थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं और पकाते हैं और खाते हैं, इसको मैं कहता हूँ ये इंसानी है, इसमें इंसान की इंटरफेरेंस है, सालन पकाते हैं और बाकी घर में बनाते हैं। और तीसरी वो चीज़ है जो फैक्ट्री में प्रोसेस होती है, जिसके अंदर केमिकल्स डलते हैं, बेकरी में, फैक्ट्री में, दुकान में, रेडी पे, हर जगह पे, घरों के अंदर, यानी कमर्शियली जो बनाते हैं, जिसके अंदर इसको कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। मैं तो फूड नहीं कहता, अल्ट्रा प्रोसेस्ड आइटम है ये, तो बिस्किट्स, ये बेकरीज और ये वो तमाम ये फैक्ट्रियों में बनी हुई चीज़ें, तो ये इसको मैं कहता हूँ ये शैतानी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने वो खुराक खानी है, फूड खाना है जो कुदरत ने दिया है, जिसके आपका जिस्म बनेगा और मेंटेन होगा, आप बीमारियों से बचेंगे, या आपने वो पॉइजन खाना है जो आपको दिमक की तरह चाटेगा अंदर से, या जो आपको जंग की तरह अंदर से जंग लगाएगा। तो ये चॉइस आपकी है। एक आध चीज़ें मैं बड़े बड़े आइटम्स आपसे शेयर कर लूँ जो आप मैं जो बहुत ज़्यादा अंदर आपको जंग लगाते हैं, जो आपको दिमक लगाते हैं, उसके अंदर एक जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, या चीनी, गुड़, ये सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी है, इक्वली डैमेजिंग है, ये मीठे जो इंसान ने बनाया है। दूसरे नंबर पे कह लें ये जो कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी आपने इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, बिल्कुल पॉइजन है। तीसरे नंबर के ऊपर अगर मैं कहूँ केमिकल्स जो फूड में ऐड हुए हैं, ज़ाहिर वो पॉइजन, एक एक बिस्कुट भी आप खा रहे हैं आपको नहीं पता इसके अंदर 10-15-20 किस्म के केमिकल्स डले हुए हैं जो आपके अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होते बल्कि आपको डैमेज करते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम इग्नोर करते हैं, जी शायद खा लें, खजूर खा लें, अंजीर खा लें, अनार, अंगूर, केले, सेब, इतनी चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, गन्ना वैसे चूप लो, नहीं गन्ना वैसे खाएं, गन्ना चूपें, रस भी नहीं, वो भी प्रोसेस, जूसेस हेल्दी नहीं होते। मैं आपको बताऊँ किसी डिटेल में बात हम कर लेंगे। मैं लास्ट इंपॉर्टेंट बात करूँगा, ये जो हाइब्रिड चीज़ें आ गई हैं, हाइब्रिड भी ऐसे ही नुकसानदेह, ऐसे ही पॉइजन है जैसे बाकी पॉइजन है। ये गंदा मकई और इस तरह की आप जानते हैं सब्जियां, दालों के अंदर जो हाइब्रिड चीज़ें हैं, देसी कुदरत की बनी इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला ये फूड है, फूड होगा, आपको सेहत देगा, आपके ऑर्गन अच्छे, जो नए पार्ट्स अंदर बनेंगे ना वो हेल्दी जेन्युइन पार्ट्स आपके अंदर बनेंगे, ना कि वो दो नंबर वाले जो है ना पार्ट्स आपके अंदर बनेंगे। जजाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।